Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. How are you all? Hopefully you will be all fine there. Abhi aapko awaaz aa rahi hai meri? Lubaina Batul. Can you hear me? ओके जी, ये सही हो गया कि आप लोग जो है, आप लोगों को आवाज आ रही है? वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर क्विक रिप्लाई लुबाइना एंड कंप्लीट रिप्लाई. यस मैम, वी कैन हियर यू. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर अबाउट टुडेज लेक्चर. हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आर यू ऑल फाइन देयर? ओके जी स्टूडेंट्स, उस दिन जो है हम लोगों का टेस्ट हुआ था, ठीक है? आप लोगों ने जो है इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट किया था, लेकिन उस टेस्ट के अटेम्प्टेशन के लिए जो है जितना भी आप लोगों को टाइम दिया गया था वो स्टूडेंट्स ने उसी में वैसे कर लिया था. वो वाला जितना भी टाइम आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, होपफुली कि आप लोगों को फीडबैक उसका जो है वो मुझे चाहिए था कि आप लोगों के लिए वो जो है करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो मुझे बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उसको देखा जा सके और उनको मैं गाइड कर सकूं कि किस तरह से बेस्ट वे में जो है आप लोग वो कर सकते हैं अपना, ठीक है? तो ये जरूर आप लोगों ने जो है मुझे बताना, फीडबैक देना. जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश के टेस्ट की फीडबैक मुझे चाहिए थी. एनी प्रॉब्लम डिड यू फेस एट दैट टाइम? सो टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग द टेकिंग द टेस्ट, वो आप लोग जरूर मुझे बता दें, ठीक है? और वो एमसीक्यूज ही थे, बड़े इजी एमसीक्यूज थे आप लोगों के, कोई भी उसमें जो है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए और हुई भी नहीं होगी. डेफिनेटली आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं कोई भी ऐसी मुश्किल हुई होगी, तो वो आप लोग मुझे काइंडली बता दें, ठीक है? कमिंग फ्राइडे के लिए जो टेस्ट है आप लोगों का, आप लोग मुझे डिसाइड करके बता दें, क्योंकि एसएस का तो अभी टेस्ट जो है वो मैं शुरू नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एसएस में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. एमसीक्यूज मैंने आपको दिए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आपका टेस्ट होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यूज का हमारा इस तरह से है नहीं है, यूएचएस के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों का बनता नहीं है, ठीक है? ठीक है, एमसीक्यूज में अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? हम बन्ने बता दिया, मुझे लुबाइना बतूल ने भी बता दिया, वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी? बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज दैट वी आर फेसिंग एट दिस टाइम दैट वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, बिकॉज देर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज इन आवर एग्जामिनेशन, इन द यूएचएस एग्जामिनेशन, ठीक है जी? तो वहां पर जब हमारे पास एमसीक्यूज नहीं है तो यहाँ पर भी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम के लिए जो है आप लोग पूरी पूरी जो है वो याद करेंगे, अपनी एमसीक्यूज नहीं बनेंगे बल्कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जो है वो कंप्लीट आप लोग डेफिनेशन याद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी जो है मैं आप लोगों को वो सारा काम दूंगी. क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारी चीजें आपने जो है वो ध्यान में रखनी है और नोटिस में लेकर आनी है कि वो जो हमारी चीजें है ना वो कम्प्लीट होनी चाहिए, ठीक हो गया?
जी अच्छा जी, नेक्स्ट आप ओरल प्रेजेंटेशन दे दें, लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों आप लोगों को। कि आप लोग कहें कहें कि हाँ जी हमें एमसीक्यूज बेस आएगा, तो एमसीक्यूज बेस अब लेने का कोई फायदा नहीं है ना हम लोगों को, ठीक है। तो ओरल प्रेजेंटेशन ठीक है, वैसे इसके भी रिलेटेड जितनी भी मैंने आपको करवाई है ना चीजें, उससे रिलेटेड क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, ये बात नहीं है कि उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसको आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी मैम, फिर तो आप जो ऐड करें ही आंसर वही होगा, अगर कोई वर्ड भी नहीं। उसमें ये है कि एमसीक्यूज में बच्चों देखें ना, आप मुझे बताएं कि एमसीक्यूज का चलें ठीक है, एक पता चल गया स्टूडेंट को कि कितना आता कितना नहीं आता, लेकिन उसमें नेक्स्ट हमें कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकता है उसमें कोई मतलब इस तरह की भी ऑप्शन हो, वो मैं आज चेक करती हूँ सारा करके, तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो किया जा सकता है, किस तरह से हमारे टेस्ट बेस आएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि नेक्स्ट भी आप लोगों को जो है, अभी हम अगर ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया है तो क्या हम उसी को कंप्लीट कर ले हैं हम लोग, ठीक है, मुझे ये आप लोग बता दें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो है हम लोगों का अब काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग वो कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। ग्रामर पोर्शन को ही पहले जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन की सूरत में, ठीक है, कि डेफिनेशन होंगी तो उसकी सूरत में ही हम लोग जो है वो कंप्लीट डेफिनेशन विद फाइव एग्जाम्पल्स उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोगों को कोई फायदा है। ऐसे तो हम लोगों को फिर कोई भी फायदा नहीं, अगर आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कोई फायदा होगा हम लोगों को तो ठीक है। तो ये आप लोग काइंडली जरूर देख लें कि इसमें जो है आप लोग ठीक है, उसमें आप लोगों को भी फायदा हो जाएगा कि हम हमारा एक चीज जैसे हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किए हुए हैं, ऐसे पोर्शन जो है हमारा 20 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें हम लोगों को देखना पड़ेंगी कि वो चीजें जो है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोग एग्री हैं इसके लिए भी कि ग्रामर ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है, मुझे बता दें, ग्रामर ही पहले कंप्लीट करवा लूंगी, ठीक है। फ्राइडे को हम लोगों का टेस्ट डे होता है, थर्सडे और वेनसडे को जो है हमारा, मंडे ट्यूसडे वेनसडे छोड़ के थर्सडे को लेक्चर होता है, 3 लेक्चर्स है ना हमारे इन वीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो 1 डे बिफोर जैसे मैं आप लोगों को करवाती हूँ ग्रामर, तो उस तरह से देख लेते हैं कि ग्रामर करवा लेते हैं आप लोगों को, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारे पोर्शंस जो है वो टेस्ट पोर्शंस जो है वो कंप्लीट होते चले जाएं, ठीक है। 1 डे बिफोर जो है आप लोगों को मैं डेफिनेशंस भी प्रोवाइड कर दिया करूंगी और उस पर एक लेक्चर भी हो जाया करेगा हमारा, ठीक है जी। तो फिर ग्रामर पोर्शन हम लोग टेस्ट पोर्शन में कंप्लीट करते हैं, जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं एवरी फ्राइडे, ठीक है, उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग के एसेज अभी चल रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 या 10 एसेज हुए हैं, एसेज को भी हम एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं फॉर द सेंड अप एग्जामिनेशन, ठीक है। सेंड अप एग्जामिनेशन के लिए ये कंप्लीट हमारे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो फिर साथ साथ कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पीपीटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं और पीपीटीज के जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका कंप्लीट बनता है 20 मार्क्स का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, कि आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैं डेली बेसिस पर जो है रिपीट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एसेस का जो कि 20 मार्क्स का है, सेकंड जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का है जनाब, किसका थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का आता है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, और फिर वो भी 20 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जो है आपको जॉब एप्लीकेशन आती है करने के लिए, वो भी 20 मार्क्स की होती है, ठीक है। और 5th नंबर पर आप लोगों को आ जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, तो वो भी आपका 20 मार्क्स का ही होता है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल भाई ना, हम लोगों ने 10 एसेज कर ली है, ठीक है, तो 10 एसेज इनफ नहीं है ना अभी, तो 12 या 15 तो होने चाहिए आप लोगों के, 15 एसेज तो हर सूरत में होने चाहिए आपके सेंड अप्स के लिए, ठीक है।
तो इससे सेंड अप्स के लिए 15 एसेज हो जाएंगे आप लोगों के, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें जो है आप लोगों के क्योंकि होंगी, और अगस्त में अभी ओपन होने हैं कॉलेजेस या नहीं होने, आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन होते हैं या किस तरह से होते हैं अभी बेटा ये कुछ फीस के बारे में मालूम नहीं है कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप लोगों के जो है वो होते हैं, किस तरह से नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग इसके आप लोगों के लिए ये है कि सिर्फ अपनी प्रिपरेशन 100% रखें, आप लोग की 100% प्रिपरेशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल भी, हाँ जी बिल्कुल, सेंड अप्स ऑनलाइन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई बच्चे। हाँ जी, सेंड अप्स जो होंगे यूएचएस पैटर्न के ही अकॉर्डिंग होंगे बच्चों, वो हम लोग इस तरह से बिल्कुल नहीं ले सकते। चाहे ऑनलाइन आप लोगों के हों तो भी हम लोग जो है उसी तरह से लूंगी मैं तो, इंग्लिश का पेपर कम से कम यूएचएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ले लूंगी, ठीक है। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि हमने एट दी एंड तो यूएचएस में जाके अटेम्प्टेशन करनी है ना, ठीक है। तो मिड्स जो है आप लोगों के, इट्स गोइंग टू बी मिड ऑफ जून आई थिंक, यस इट्स मिड ऑफ जून। आई थिंक योर सेंड अप विल बी स्टार्टेड इन द जुलाई और अगस्त। आई डोंट नो, आई हैव नो एनी कंफर्म डेट, बट आई विल यू इन्फॉर्म यू, ओके, कि किस तरह से मिड्स होंगे और कब तक स्टार्ट होंगे। दैट्स व्हाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू अगेन एंड अगेन दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। ये ना हो हम कहेंगे आफ्टर 1 वीक यू आर गोइंग टू टेक द टेस्ट और यू आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जामिनेशन मिड टर्म्स एंड यू और से दैट मैम ये क्या बात हुई, हमें 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं, 1 हफ्ता पहले नहीं बताया गया बच्चों। हम लोग आपको बार बार इन्फॉर्म करते जा रहे हैं कि आपके मिड स्टार्ट होने लगे हैं, आपके मिड स्टार्ट होने लगे हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन आप लोगों के होने हैं, सेंड अप्स होने होने हैं, उनसे आपकी जान नहीं छूटने वाली, ठीक है। टाइमिंग किस चीज की दी ना आप कह रही हैं, 4 to 5 आवर्स होनी चाहिए ये बता दें मुझे, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना लें कि जुलाई में हो सकता है आपके फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई जो है वो स्टार्ट हो जाए या मिड ऑफ द जुलाई स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए प्रिपरेशन आप लोगों ने साथ ही रखनी है आप लोगों की, ये नहीं कि जी ऑनलाइन क्लासेस चलती जा रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ही, एंड इट डिपेंड्स कि आप लोगों के ऑनलाइन होंगे या यहाँ पर बुला कर लिए जाएंगे। ये अभी जो है सारी सिलसिले देख देख रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं या वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने सिटीज को ही जो है वो ब्लॉक कर देना है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग ना। तो अभी जून में हम लोग वेट कर लेते हैं कि क्या करते हैं, तो एंड ऑफ द जून जो है वो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कॉलेज में आएंगे आप लोग तो एग्जाम्स होंगे आप लोगों के या फिर ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। मरियम शजर, वालेकुम सलाम। टेस्ट की क्यों के टाइपिंग करने में टाइम ज्यादा लगता है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, टाइपिंग जाहिर सी बात है टेस्ट की टाइपिंग जो है वो टाइम ज्यादा लगता है उसकी टाइपिंग करने में, लेकिन ये है कि मैं इस तरह से टेस्ट बेस करूंगी आप लोगों के कि आप लोगों को इजी होता जाए सारा कुछ करना, ठीक है। तो वो इसलिए वो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, इजी होता जाएगा सारा कुछ करना, ठीक है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो कि किस तरह से होगा कैसे होगा, वो इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। अभी जो आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्टेशन की है उसके रिजल्ट्स जो है आप लोगों को साथ साथ ही मिल गए हैं, साथ ही पता चल गया आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों ने की है, ठीक है। उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज हो गई, एक ये चीज हो गई और दूसरी क्या चीज थी हम लोगों की, मैंने क्या बात करनी थी आप लोगों से, जी शालामार ई लर्निंग पोर्टल जो है उसको जरूर आप विजिट किया करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये कहती थी उसमें वो जो सारा जो है वो बताया हुआ था कि लास्ट आप लोगों ने विजिट कब किया था उसका, ठीक है। तो इंग्लिश 1 2 को जो है वो विजिट करते रहा करें आप लोग, अभी टेस्ट हो रहे हैं स्टार्ट तो डेफिनेटली आप लोगों ने तो जरूर उसको किया होगा, ठीक है। टेस्ट के जो है जिन्होंने टेम्पटेशन नहीं की या जो भी आप लोगों के और किस तरह से आप लोगों ने टेम्पटेशन करनी थी और किस तरह से नहीं करनी थी, थोड़े से ट्रिकी थे क्वेश्चंस लेकिन बट नॉट मच मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस और नॉट मच मोर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट द आंसर आल्सो, तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं थी। आवाज बहुत कट रही है सबके लिए, आवाज मेरी कट कर आ रही है या सिर्फ अभी ही कटना शुरू हुई है बच्चे, मैं अब डायरेक्शन अपने चेंज कर लेती हूँ। अब इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। मरियम शजर, आप गो ऑफलाइन एंड देन अगेन ऑनलाइन, आप फिर से ऑनलाइन हो जाएं फिर जो है थोड़ी सी आप लोगों की जो है वो प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाएगा,
ठीक है जी। अच्छा जी, बात सिर्फ इतनी सी है स्टूडेंट्स की, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी इस पे ना आए कि आपके एमसीक्यूज बेस ही आपको इंग्लिश का पेपर आएगा। ऐसा पेपर कोई नहीं आने वाला आप लोगों को, ऐसा टेस्ट भी कोई नहीं आने वाला। ठीक है, गो अहेड, पूरी पूरी चीजें जो है वो आप लोगों ने याद करनी है, कम्प्लीट विद स्पेलिंग विद कम्प्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, ये नहीं कि हमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे हमें पूरा करने की जरूरत क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ऐसे जो है हम इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 weeks को इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाई, फिर वही चीज आ जाती है कि आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। मैं बार 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 एक ही चीज आप लोगों को कहती हूँ कि if you are going to attempt the question of comprehension then you are not allowed to write anything except the topic। ठीक है, topic के according ही आप लोगों ने लिखना है in your own words। ये नहीं कि दूसरे words में आप लोग लिखने बैठ गए हुए हैं, दूसरे words में बिल्कुल भी नहीं लिखना आपने comprehension कभी भी। ठीक है, ठीक है जी। जी हीरा जफर का क्वेश्चन है कि मैम साथ साथ ही हमारे टेस्ट हो रहे हैं और साथ साथ ही लेक्चर्स हो रहे हैं, आप बताएं कि हम लोग कैसे करें ज्यादा मेहनत करें और कैसे करें, कम सोएं, जो इतना सोते हैं वो पढ़ के पढ़ना नहीं है, रोजाना के लेक्चर्स भी करें और सारा कुछ करें, ऐसा नहीं होता भाई बच्चों। जाहिर सी बात है टेस्ट भी करने होते हैं, यहाँ पर भी हो तो आप लोग इस तरह से टेस्ट भी करेंगे और लेक्चर्स भी करेंगे। ठीक है, या ये सजेशन आप दे दें जो है अपने कोऑर्डिनेटर को या अपने टीचर्स को, ये सजेशन दे दें कि हाँ जिस दिन नहीं होता, वैसे इंग्लिश का लेक्चर तो नहीं आप लोगों का जिस दिन आप लोगों का जो है वो है, हाँ टेस्ट भी तो वैसे आप लोगों के डेली बेसिस पे है। अच्छा जी, इन्फ्लेशन, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। इन्फ्लेशन, डू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है क्या, जानते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन? जी स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और राइजिंग ऑफ प्राइसेस, राइजिंग ऑफ प्राइसेस मीन कीमतों का बढ़ जाना, महंगाई हो जाना, बेसिकली दिस इज इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइज इन आवर कंट्री नाउ आवर डेज, डू यू नो इट वेरी वेल? बच्चों मेरी आवाज क्यों कट रही है, अब मैं इसका क्या करूं कि मेरी आवाज कट रही है? तो आई डोंट नो, सिग्नल कंप्लीट है यहाँ पर, नेट भी बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अभी से पहले जो लेक्चर हुआ उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, आवाज जो है वो कट रही थी उसमें भी, मुझे बताइएगा जरा, क्योंकि पहले फैन ऑन था, मैंने तो फैन भी ऑफ कर दिया, फिर भी आवाज पता नहीं क्यों कट रही है आप लोगों को, क्यों कट कट कर आवाज आ रही है आप लोगों को। चले, हीरा जफर को तो शुक्र है आवाज क्लियर आ रही है लुबाइना को भी क्लियर आ रही है। चले, अब मैंने जो है अब मैं और क्या करूं भाई, मैंने तो ये चार्जर लगाया हुआ था, चार्जर भी ठीक आइएगा मुझे आवाज क्लियर,
जी स्टूडेंट्स सब देखिएगा आवाज, क्योंकि मैंने ये कनेक्टिविटी की है इसकी, अभी देखिएगा ठीक है। इसको देखने के इसका जो है क्या करना है अब, इसका ना अब देखें, अब आवाज ठीक है क्योंकि मैंने अगेन रिकनेक्टिविटी की है इसकी, ठीक है। तो देख लें कि अब आवाज आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही है। अब फिर से मैंने रूम में एंटर हुई हूँ, डिस्कनेक्ट करके रूम में फिर से मेरी एंट्री हुई है। अच्छा जी, पेपर्स का मैं फिर से बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अलीजा शोकत कह रही है कि आवाज क्लियर है, थैंक्स गॉड कि आप लोगों को ठीक आवाज आ जाए। अंबर को, रुशना को आवाज अब क्लियर आ रही है। बच्चों मैंने पेपर्स का भी आप लोगों को फिर से बता दूंगी, अभी जो है थोड़ा सा लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर करना शुरू करते हैं, उसके बाद जो है क्या करना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, prices of necessities of life are increasing constantly. कहते हैं कि अभी prices जो है necessities हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की are increasing constantly. दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक है। Constantly, what is the meaning of constantly? Continuously, over a period of time. Constant means तो साथ साथ इसके मीनिंग जो है नोट डाउन करते जाया करें। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट मीन कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मुसलसल एक चीज जो हो रही है उसको कहते हैं प्राइसेस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। कहते हैं प्राइसेस जो है इसकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हमारी जरूरियात जिंदगी की आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, मुसलसल जो है इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज अ सीरियस हेडेक इन एवरी कंट्री। कहते हैं प्रॉब्लम जो है इन्फ्लेशन की इज अ सीरियस हेडेक, एक बहुत ज्यादा सीरियस जो है वो प्रॉब्लम बन गया है इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री का। इन्फ्लेशन इनकरेजेस मॉल प्रैक्टिसेस इन ट्रेड एंड बिजनेस, पीपल फॉल अ प्रे टू मोर इविल्स। इन्फ्लेशन इनकरेजेस मॉल प्रैक्टिसेस। मॉल प्रैक्टिसेस मीन इम्प्रॉपर और इलीगल, ठीक है। मॉल प्रैक्टिस का मतलब होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर और इलीगल, गलती से, ठीक है। ये देखिए साथ साथ मीनिंग जो है मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ, इम्प्रॉपर और इलीगल, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मॉल इन्फ्लेशन इनकरेजेस मॉल प्रैक्टिसेस, कहते हैं बढ़ती हुई कीमत जो है वो इनकरेज करती है मॉल प्रैक्टिसेस को इन ट्रेड, जो कि तजारत में होती है, और बिजनेस, और क्या है बिजनेस में और तजारती निजाम जो चल रहा है उसमें जो है और ज्यादा गलतियों का इर्तकाब होता चला जाता है अगर राइजिंग ऑफ प्राइसेस होता चला जाए तो, ठीक है। पीपल फॉल अप्रे, लोग जो है इसका शिकार होते हैं, मोर इवल्स, और ज्यादा इखलाकी बुराइयों का जो है लोग शिकार होते चले जाते हैं। अब इन्फ्लेशन है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस है, ठीक है, तो क्या होगा आप लोग मुझे खुद बताएं। आप लोगों के नजरों के सामने अभी जो है इन्फ्लेशन राइजिंग ऑफ प्राइसेस जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है, यही चीज है, ज्यादा होती चली जा रही है सारी चीजें। कि आप लोग ये ना कहें कि हाँ जी नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ज्यादा चीजें होती चली जा रही हैं। तो उसमें आप लोग क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इनकरेजेस मॉल प्रैक्टिसेस इन ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड और बिजनेस में जो है इसका इजाफा होता चला जा रहा है, लोग जो है वो इखलाकी बुराइयों का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आपके सामने अब जो है ये बढ़ रही है, सारी कीमतें ज्यादा हो रही है हर चीज की। जब कीमतें ज्यादा होती है तो क्या होता है, लोग इखलाकी तौर पर भी बुराइयों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अगर हम कोरोना के सर्कमस्टांसिस को ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि जी प्रैक्टिसेस लोगों की क्या होती चली जा रही है, जॉब से लोग फारिग करते चले जा रहे हैं, क्या जी हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो जॉब से जब उनको फारिग कर दिया जाता है,
जॉब से जब उनको बच्चों फारिग कर दिया जाता है तो वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उनको रोजी रोटी तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए तो चाहिए ना। अब जब वो कुछ लोग जो हैं जॉब कर भी रहे हैं ठीक है, लेकिन उनकी जरूरियातें जिंदगी पूरी नहीं हो रही ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उनकी वो पूरी नहीं हो रही, बच्चे ज्यादा हैं या मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो ज्यादा है, तो वो किस क्या करेंगे फिर? ऑफ कोर्स वो चोरी करेंगे, ऑफ कोर्स वो फिर क्या करेंगे, इस तरह से डाका डालेंगे या फिर चीजें चोरी करके ले जाएंगे ठीक है। अब हमारे ही आंखों देखी बात है कि हमारे क्या करीब ही जो स्टोर है ठीक है, उस स्टोर में क्या हुआ कि उसने कहा, एक ही जाहिर सी बात है वो शॉपकीपर एक ही था उस वक्त जो है वो, अभी ये जिन दिनों लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना उसके तकरीबन 15-20 दिन की बात है, मतलब एंड ऑफ मार्च या बिगनिंग ऑफ अप्रैल ही की बात है कि लोग आए हैं ठीक है वहां पर, और उस स्टोर वाले को कहते हैं कि हमें 5 ये जो है 5-5 kg के जो है दो ऑयल के वो बने हुए होते हैं बॉक्सेस वो दे दें ठीक है। 10 लीटर उन लोगों ने ऑयल लिया, कहते हैं जी और क्या चाहिए, कहते हैं जी साथ में 5 kg हमें शुगर चाहिए, उसने 5 kg शुगर दे दी। वो जाहिर से बना के तो वो बना होता है वहां पे काउंटर, उसपे वो सारी चीजें रखता गया, और क्या चाहिए जी, चावल चाहिए इतने। दो लोग थे और बाइक पे आए हुए थे, एक बाहरी बाइक पे खड़ा रहा और एक अंदर आ गया ठीक है। इतने में क्या हुआ, वो कहता और क्या चाहिए, इस तरह से उसने ज्यादा सारी चीजें बना ली, तो कहता है जी पैसे, कहता तुम बिल बनाओ ना, तो वो बिल बनाने लगा, कहता हाँ, बार बार से कहता हाँ याद आया कुछ और तो नहीं रह गया लेने के लिए, वो कहता हाँ तुम ऐसा करोगे ना आटा भी साथ ही ले लो, इनको को 10 kg आटा भी देने हम लोगों को। वो पीछे आटा लेने के लिए गया है और वो उन्होंने वो सारी चीजें उठाई एट अ टाइम, वो दोनों जितने, और वो बाइक स्टार्ट की और वो कहाँ पे भाग के चले गए, वो पीछे गया अपनी बाइक लेके लेकिन उसको वो नजर ही नहीं आया कि वो कहाँ पे गई है। इस तरह से जो है राइजिंग ऑफ प्राइसेस, मॉरल वैल्यूज किस तरह से जो है हमारी लोग जो है ईवल का शिकार हो जाते हैं, मॉरल ईवल्स की तरफ चले जाते हैं, वो सिर्फ ये ही एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि किस तरह से। और वो बेचारा जो जिसका स्टोर इतनी मुश्किल से चल रहा था ठीक है, कि लोगों ने पहले ही जो है वो चीजें सोच समझ के लेना शुरू कर दी हुई है ठीक है, तो वो सारी जो है वो परेशानियों के आलम में आ गए हैं लोग कि आप क्या करेंगे। आप देखें मॉरल वैल्यूज, मॉरल इवल्स उन्होंने किया जो डाका वहां पर डालने के लिए आए थे, जो चोरी करने के लिए आए थे ठीक है, उन लोगों ने उससे वो सारी चीजें इकट्ठी की, इकट्ठी करके जब बिल पेमेंट के लिए उसको कुछ और चीज लेने के लिए वो पीछे गया लेने के लिए, वो सारी चीजें उठा के तो वो भाग गए हैं ठीक है। इस तरह से इन्फ्लेशन और राइजिंग ऑफ प्राइसेस में मोरल इवल जो है इस तरह से जो है वो डेवलप होते हैं ठीक है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कॉज इन्फ्लेशन, कहते हैं बहुत से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि महंगाई का सबब बनते हैं, चीजों के बढ़ने का सबब बनते हैं। गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट हेल्दी मेजर्स टू स्टॉप इन्फ्लेशन, कहते हैं गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, इनको जो है हेल्दी मेजर्स रखने चाहिए स्टॉप इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को स्टॉप करने के लिए ठीक है। कहते हैं गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि राइजिंग प्राइसेस ना हो। अब किस तरह से जो है हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो राइजिंग प्राइसेस ना हो, आप ये भी तो देखिए ना कि किस तरह से देखा जा सकता है इसको कि हमारे पास, अब गवर्नमेंट को जो है इस पर स्टेप लेने चाहिए कि किस तरह से बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सकता है ठीक है। तो बढ़ती हुई कीमतों को किस तरह से गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो फिर है, नहीं तो यहाँ की तो हर किसी की अपनी मर्जी है, स्टोर वाले की अपनी मर्जी है। इफ द देर आर द हॉकर्स ऑफ द वेंडर्स होते हैं ठीक है, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो हमारे ये हॉकर्स होते हैं, फ्रूट हॉकर्स हो गए, वेजिटेबल हॉकर्स हो गए, वेजिटेबल शॉप्स हो गई, इन्होंने तो अपने प्राइसेस लगाए हुए होते हैं, मतलब 5-10 रुपए ऊपर ही ले रहे होते हैं, तो कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं हमने ऐसे में पढ़नी है कि हाउ वी कैन ओवरकम ठीक है। ओके जी, किस तरह से देखा जा सकता है द प्राइसिंग। द प्राइसेस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली, कहते हैं मुस्तकिल तौर पर जो है ये बढ़ती जा रही हैं। दे आर पोजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी इन द कंट्री। दे आर पोजिंग जो है ये पोजिंग का मतलब क्या होता है, जाहिर होना ठीक है। पोजिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पोजिंग मीन प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉब्लम और डेंजर, प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूट
आप प्रॉब्लम हो डेंजर बैकेट्स दैट प्रॉब्लम और डेंजर ठीक है. फॉजिंग मीन क्या होता है? प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉब्लम और डेंजर ठीक है. टू हैव और टू एबिलिटी टू शो ठीक है जी. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. आपने भी लिखा है कौन मरियम शजर. आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है ठीक है जी. फिर भी मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता दे आर पोजिंग आ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री. कहते हैं हर किसी के लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल बन गई है हमारे मुल्क में. द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस हैज बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. कहते हैं कीमतों का बढ़ जाना जो है वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है हमारी पूरी कहते हैं दुनिया में और पूरी कायनात में ही जो है इसका मसला बन गया है. दिस प्रॉब्लम इज यूम्स एन एक्यूट फॉर्म इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. और कहते हैं इसकी ज्यादा बदतरीन हालत कहाँ पर हो गई है ठीक है. assume supposed to be assuming assume mean supposed to be yes okay ji supposed to be the case without proof ठीक है. without proof supposed to be without proof supposed to be a case without proof. ऐसे ही होता है ना. supposed to be का मतलब यही हुआ ना कि assume करना कोई भी without any proof assume कर लें चलें जी फर्ज कर लें जिसको उर्दू में कहते हैं ठीक है. तो इंग्लिश में भी आप लोग मीनिंग जो है थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे. ये नहीं कि जी बस बैठ गए अब हम लोग जिस तरह से मर्जी करने के लिए ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है. ओके जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी तरफ. क्या है कहते हैं कि बहुत ज्यादा अफाकी मसला बन गया. दिस प्रॉब्लम इज ह्यूमन इन क्यूट फॉर्म इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप. और कहते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है इन आवर कंट्री में बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप. इनकम ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है. यूजली दे हैव वेरी मीगर सोर्स ऑफ इनकम. मीगर मीगर मीन्स कम हो रहा है ठीक है. मीगर्स मीन इन इंग्लिश मीगर जी आर ई जी आर जी एम ई ए जी आर ई एम जी कहाँ गया जी आर ए जी आर मीगर मीगर मीन्स मीगर मीन्स समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल समथिंग or available provided or available lacking in quantity and quality lacking in quality and quantity. बच्चों याद रखा करें ये भी इसके जोटिंग लिए ठीक है. वालेकुम सलाम जी अबू जी. हाँ जी लेक्चर हो रहा. खैरियत थी खैरियत थी. चलो ठीक हो गया. मैं लेक्चर के बाद बात करती हूँ 11 बजे के बाद. खुदा हाफ़िज़.
जी बच्चों ठीक हो गया। पॉजिंग मीन्स प्रेजेंट और कहाँ गया मीगर पे आपने मीन्स समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो जाना बेसिकली इसका मतलब होता है। ठीक है कम हो जाना तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यूजली दे हैव अ मीगर सोर्स ऑफ इनकम। कहते हैं जिनका कम सोर्स ऑफ इनकम है वेरी ऑफन द इनकम ऑफ पीपल इज फिक्स। बहुत से लोग जो है हमारे मुल्क में उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फिक्स है। देयर फॉर दे आर हार्ड हिट बाय द हाई प्राइसिस ऑफ इसेंशियल गुड्स विच रजिस्टर अ राइज एवरी वीक एंड एवरी मंथ। कहते हैं इस ताहम दे आर हार्ड हिट बाय द हायर प्राइसिस क्योंकि प्राइसिस बहुत ज्यादा होती है एसेंशियल गुड्स इनकी जरूरत है जिंदगी विच रजिस्टर आर राइज एवरी वीक। हर जो है वीक में इनकी हर वीक में और हर मंथ में बहुत ज्यादा जरूरियात जिंदगी इस तरह की होती हैं जिनकी प्राइसेस हाई होती चली जाती हैं। द रिजल्ट इज दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर पीपल इज ड्विंडलिंग ड्विंडलिंग डे बाय डे। ड्विंडलिंग होता है द रिजल्ट ऑफ दैट क्या इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है गरीब लोगों का इज ड्विंडलिंग डे बाय डे मजीद वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। ठीक है ड्विंडलिंग का मतलब मैं लिख देती हूँ आपको ड्विंडलिंग यहाँ पर तो कमजोर हो गया ना ड्विंडलिंग का जो मतलब लिखा हुआ है। ठीक है ग्रेजुअली क्या होता है ग्रेजुअली डायमेंशनिंग इन साइज और अमाउंट। ठीक है लिख देती हूँ मैं ड्विंडलिंग मीन ग्रेजुअली डायमेंशनिंग डायमेंशन size and amount in size and amount dimensioning। ठीक है जी क्या है आहिस्ता आहिस्ता ड्विंडलिंग याद रखना है। ड्विंडलिंग का मतलब क्या है आहिस्ता आहिस्ता साइज में या अमाउंट में या फिर फिगर में कम होते चले जाना। ठीक है जी सेकंड पैसेज इन्फ्लेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। कहते हैं इन्फ्लेशन जो है एडवर्स इफेक्ट होता है किसके ऊपर मुखालिफ असरात आ जाते हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के जो है डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक है मोस्ट ऑफ पीपल बहुत से लोग हैव नॉट सफिशिएंट मींस टू बाय द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। उनके पास सफिशिएंट मींस ही नहीं होते बेचारों के पास खरीदारी करने के लिए कोई चीज ही नहीं होती कि हम लोगों ने किस तरह से जो है उसकी खरीदारी करनी है। दे आर कंपल्ड वो मजबूर होते हैं टू यूज अनफेयर मींस टू हैव देम। अब वही बात आ गई ना दे आर कंपल्ड वो मजबूर हो जाते हैं टू यूज अनफेयर मींस के वो गलत तरीके इस्तेमाल करें अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के। In this way, the society is troubled by picking pickpockets. कहते हैं इस तरीके से जो सोसाइटी है वो शिकार हो जाती है किस चीज का pickpockets. Pickpockets कहते हैं जो जेब काटते हैं आके। ठीक है thieves उनके पास क्या आ जाते हैं चोर आ जाते हैं रोबर और लोग डाके डालना शुरू हो जाते हैं। यही मैंने अभी आप लोगों को सबको बात बताई है ना कि इस तरह से ये होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं हु कैन नॉट मेक बोथ हैंड्स टू मीट जो गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है बोथ हैंड्स टू मीट जो है ये फ्रेजर वर्ब है हमारा प्रोवर्ब है ये भी याद रखें कि मुश्किल से गुजर बसर करना हैंड टू माउथ हो जाते हैं बिकम करप्ट। अब जो गरीब लोग हैं जो गरीब तबका है वो किस तरह से काम कर रहा है कि वो जेबें काटना शुरू हो गया है चोरियां करना शुरू हो गया डाके डालना शुरू हो गया। मैंने अभी आपको इसकी एग्जाम्पल बताई है ना कि हमारे करीब ही जो एक स्टोर बना हुआ है उसमें क्या हुआ उन्होंने सारी चीजें इकट्ठी की हैं और चीजें इकट्ठी करने के बाद जो है वो सारा कुछ वो ले गए हैं। ठीक है जी तो ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों ने देखनी है। ठीक है और जो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ठीक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो क्या करना शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे जो है वो करप्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है करप्शन करना शुरू करते हैं दे यूज देयर पावर्स एंड एक्सेप्ट ब्राइब और क्या करते हैं वो पावर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। पावर का इस्तेमाल किस तरह से कि अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं अपने डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं एक्सेप्ट ब्राइब और जो है वो ब्राइब मैंने आपको बताया था दे आर टेकिंग डिसऑनेस्टली टेकिंग द गिफ्ट्स इन द बिग गिफ्ट्स कोई भी बड़े बड़े से गिफ्ट अपने लेना शुरू कर देते हैं या बिग अमाउंट्स की सूरत में लेना शुरू कर देते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को टू सेइंग दैट विद द वर्ड्स ऑफ गिफ्ट के जी गिफ्ट है आपके लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है अब ब्राइबरी जो होती है जो रिश्वतखोरी होती है डिसऑनेस्ट
डिसऑनेस्टी होती है कभी, ठीक है, और डिसऑनेस्टी तो होती होती है, लेकिन वो किस सूरत में हो जाती है कि वो कहना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने ये एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन किस तरह से एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों ने जो है वो गिफ्ट की सूरत में एक्सेप्ट होना शुरू किया है। इन दिस वे दे प्रमोट इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी इन नेशनल लाइफ, इस तरह से जो है वो तरक्की देना शुरू करते हैं, इनजस्टिस ना इंसाफी को जो है वो देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और क्रुएलिटी आना शुरू हो जाती है नेशनल लाइफ में हमारी जो है कौमी जिंदगी में, ठीक है। राइजिंग ऑफ प्राइसेस आल्सो इफेक्ट नेशनल लाइफ इन द इकोनॉमिक फील्ड, कहते हैं कि राइजिंग ऑफ प्राइसेस भी जो है आल्सो इफेक्ट असरअंदाज होता है उस पर भी नेशनल लाइफ पर इन द इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड में, ठीक है। द बिजनेसमैन थिंक ऑफ एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन कहते हैं जनाब मिलावट को, एडल्ट्रेशन मिलावट, इंग्लिश में मीनिंग क्या बनेगा एडल्ट्रेशन का, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअर्स इन क्वालिटी बाय एडिशन ऑफ एन अदर, ठीक है जी, एडल्ट्रेशन में लिख देती हूँ, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है वैसे मिलावट, ठीक है। एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, ठीक है, वैसे इसका मतलब जो है वो बनता है द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग ओवर्स ओवर in quality, in quality by addition of another substance, by addition of another substances, ठीक है जी। एडल्ट्रेशन मीन्स द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअर इन क्वालिटी बाय एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, क्या कहते हैं मिलावट का क्या मतलब है, वो एक्शन जिसके जरिए से किसी भी चीज की क्वालिटी को कुछ मिलाकर मजीद बुरा बना दिया जाए, इसको क्या कहेंगे मिलावट करना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल they make the more poor quality by adding some substances in the milk, ठीक है, milk में हो रही है adulteration, और किस में हो रही है जो है ये हमारी spices जो है मसाला जात उसमें हो रही है, each and everything, ठीक है, सब में ही हो रही है almost, so क्या है adulteration means the action of making something poor in quality by addition of an other substances, वो सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को समझ आती जाएंगी, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है and other methods of maximize their profits, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए हमारे बिजनेसमैन जो हैं, हमारे जो एडल्ट्रेटर्स हैं जो कि मिलावट कर रहे हैं अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, they are not going to be think about a health of the citizens, they are not thinking about the health of citizens, वो अपनी शहरियों की जो है सेहत की हिफाजत का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि हमने किस तरह से हिफाजत करनी है, they are only taking the notice and taking the profits only, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास पैसा आना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट आना चाहिए, since the prices of goods are beyond the reach of common man, यहाँ तक के जो कीमतें हैं चीजों की वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, आम आदमी की पहुंच से बालातर होती जा रही है, the standards of living goes on falling gradually, और आहिस्ता आहिस्ता से जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बेचारे गरीबों के जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं, पहले फिर भी कुछ खाने पीने के लिए उनके पास होता था लेकिन अब भी कुछ भी उनके पास खाने पीने के लिए बचा नहीं है, क्लियर टू एवरीवन। देयर आर मेनी फैक्टर्स, कहते हैं और भी बहुत से फैक्टर्स हैं विच कॉज राइजेस इन प्राइसेस, जिसकी वजह से वो बढ़ गई हैं कीमतें, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बड़ा मसला क्या है वो बढ़ती हुई आबादी का है,
द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज इंक्रीजिंग एंड अ रैपिड रेट तेजी से इजाफा हो रहा है बट द इकोनॉमिक रिसोर्सिस डोंट इंक्रीज एट द सेम रेट, लेकिन हमारी जो मुशियत के सोर्स हैं वो कहते हैं इस रेट से बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू इन्फ्लेशन, और जिस तरह से तेजी से आबादी बढ़ रही है उस तरह से हमारे जो है वो चीजें नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। हमारे पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो रिजल्ट जो है हमारे पास आ गए हैं कि वो जी इट रिजल्ट्स इनटू इन्फ्लेशन, इस तरह से महंगाई में इजाफा हो गया है। सेकेंड, इफ द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस है, एडल्ट्रेशन है, ठीक है, लोगों ने मुनाफा हासिल करना शुरू कर दिया है, करप्शन शुरू हो गया। अब देखिए सिर्फ राइजिंग ऑफ प्राइसेस से और कितने सोशल इवल्स जो हैं हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं सिर्फ चीजें महंगी होने की वजह से, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज महंगी होती है उसे कहते हैं ना ये चीज क्यों महंगी हो गई, वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा तो हर चीज महंगी, ठीक है, आगे से जवाब उनका ये होता है। अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो आप खुद देख लें कि पेट्रोल सस्ता होने की वजह से वो जो मिल ही नहीं रही है, वो कहते हैं डिमांड ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है डिमांड ज्यादा हो गई है, लोग क्या करते जा रहे हैं उसको स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखें अगर पेट्रोल सस्ता तो कुछ भी सस्ता नहीं है, बल्कि पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया है, ठीक है, अगर पेट्रोल महंगा तो हर चीज महंगी। ये क्या है, ये हमारी ही करप्शन है यहाँ के लोगों की जो है डिसोनेस्टी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें राइजिंग ऑफ प्राइसेस से क्या हो गया, चीजें बड़ी, उधर से क्या हो गया, रोबरी ज्यादा हो गया है, जो है लोग चोरी ज्यादा करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, रॉबरी ज्यादा हो गई है, और साथ में क्या हो गया है हम लोगों का राइजिंग ऑफ इनजस्टिस ज्यादा हो गया है, क्रुएलिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है, जो पुअर्स के स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड से वो मजीद ग्रेजुअली जो है वो फॉलिंग पोजिशन में आते जा रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि रैपिड इंक्रीजिंग रैपिड रेट जो है इंक्रीजिंग किसका, पॉपुलेशन का, वो ज्यादा होता चला जा रहा है, और इकोनॉमिक सोर्सेज जो है वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई ज्यादा हो गई है उसकी सूरत में भी। अभी 5-6 फैक्टर्स जो है हमारे पास इन्फ्लेशन की आ चुकी हैं, ठीक है। सेकेंडली इफ द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई द गुड विल बी नेचुरली सोल्ड एट हाई प्राइसेस, कहते हैं अगर डिमांड ज्यादा होगी हमारे पास और सप्लाई कम होगी चीजों की तो इससे भी क्या है राइजिंग ऑफ प्राइसेस होना शुरू हो जाएंगे। अब जिस तरह से लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि किस तरह से ये जो है हमारे जो है अभी कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, अभी स्मार्ट लॉकडाउन ही चलेगा, ठीक है, कि कारोबार हम बंद नहीं करेंगे लेकिन जो है हम अपने ही शहरों को जो है वो हम सील कर देंगे कि एक शहर से दूसरे शहर तक कोई नहीं जा सकेगा। बात समझ आ रही है मेरी आप लोगों को, ठीक है। अब जब एक शहर से दूसरे शहर में जो चीजें जाती हैं जो हमारी डेली नेसेसिटीज की जो है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर के लोरी इट्स नॉट एन एग्रीकल्चरल लैंड हियर इन लाहौर, ठीक है, जब बाहर से चीजें आएंगी तो उसमें क्या होगा हम लोगों का, ये सील सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बाहर से जब चीजें आएंगी ये सिटी जो है सील हुआ होगा लेकिन यहाँ पर डेली बेसिस पर अनियन भी चाहिए, अब टोमेटोज भी चाहिए और बाकी सारी चीजें भी चाहिए, तो वो क्या होगा जब बाहर से चीजें आना बंद हो जाएंगी तो यहाँ की वो चीजों का क्या करेंगे प्राइसेस हाई हो जाएंगे। अब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो सिर्फ वही जो रिच पीपल है वही खरीद सकेंगे, जो पुअर है वो तो नहीं खरीद सकेंगे। अब उनको क्या चाहिए, टोमेटोज भी चाहिए, उनको अनियन भी चाहिए, उनको गार्लिक भी चाहिए फॉर द कुकिंग समथिंग फॉर द डेली बेसिस, ठीक है। अब जब वो नहीं ले सकेंगे तो क्या करेंगे, जाके चोरी करेंगे, डाके डालेंगे ताकि हमारे पास जो है वो सारी चीजें आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, ये आपको मैं प्रेजेंट करंट सिचुएशन की जो है आपको एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंडली द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई द गुड विल बी नेचुरली सोल्ड एट द हाई प्राइसेस, समथिंग द गवर्नमेंट इम्पोजेस, कहते हैं गवर्नमेंट जो है उस पर नाफिज करती है हायर टैक्सेस, ज्यादा टैक्स लगा देती है ऑन द सर्टन कमोडिटीज, कमोडिटीज कहते हैं अशिया को, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है, मैंने आपको पहले भी कमोडिटीज का प्रीवियस ऐसे हमने किया था उसमें भी बताया था, सो दैट देयर प्राइसेस गो अप, फिर क्या है इसकी प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफन लीड द होर्डिंग, कहते हैं गलत पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की जखीरा अंदोजी की तरफ ले जाती हैं हमें, ठीक है, होर्डिंग कहते हैं जखीरा अंदोजी करने को।
ठीक है जी। जखीना अंदोजी करना शुरू कर देती हैं, स्मगलिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, एसेंशियल गुड्स जो कि हमारी जरूरियात जिंदगी होती हैं उन्हीं के लिए गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसीज होती हैं। अब क्या है, अब ये देखिए आपके कहते हैं जी स्मार्ट लॉकडाउन ही रहेगा लेकिन हम लोग शहरों को सील कर देंगे। ठीक है, अभी आई डोंट नो के हुआ है या नहीं हुआ, बट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, करंट सिनेरियो की अगर एग्जाम्पल दें, अभी मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जो है समझ ले कि किसी विलेज साइड से आई डोंट नो अनियन और ये सारा कुछ कहाँ से आता है हमारे लाहौर में, चले फॉर एग्जाम्पल हम नारोवाल से ले लेते हैं कि नारोवाल से ये सारी चीजें आ रही हैं, लाहौर को सील कर दिया, लाहौर से जो चीजें नारोवाल जा रही थी वो नहीं जा रही, नारोवाल से जो चीजें लाहौर आ रही थी वो नहीं आ रही। हम जो है डेली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, अनियन हो गए, टोमेटोज हो गए और लाइक दिस इस तरह की और बहुत सारी चीजें होगी। ठीक है, अगर लाहौर से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नारोवाल जा रही थी वो भी नहीं जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, वहां पर डिमांड तो उतनी बढ़ती जाएगी ना, डिमांड तो वही रही हम लोगों की, लेकिन क्या है सप्लाई कम हो गई। अब जब सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज्यादा हो गया, तो राइजिंग ऑफ प्राइसेस तो खुद ही होगा। ठीक है, अब क्या है, जो पुअर है वो बेचारा रह जाएगा, जो अमीर है वो ले लेगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब क्या है कि नारोवाल में उन चीजों की जरूरत है और लाहौर में भी उन चीजों की जरूरत है। अब होना क्या चाहिए कि अगर तो हम लोगों ने सिटीज को जो है वो सील कर दिया है, लेकिन क्या होना चाहिए कि सिर्फ उन लोगों को जाने दिया जाए जो इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं, ताकि वहां के लोगों की रहने वालों की जरूरियात जिनकी पूरी होती रहे। ठीक है, एक जो है गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक जो है उनके पास एक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वर्क परमिट कार्ड होता है वो उनको अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइमिंग में इतने बजे से लेकर इतनी टाइमिंग तक यहाँ से ये गुजर सकते हैं, इनको इजाजत होगी कि ये इतने बजे से लेकर इतने बजे तक गुजर सकते हैं वहां पर अपना काम करके, फिर अगर इन्होंने वापस आना है तो इतने से इतने बजे तक ये लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही। अब ये कहा गया कि रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो अभी रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ही जो है वो ये सारी चीजें लेकर जा रही है, तो जिसकी वजह से होर्डिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, अब मास्क जो है वो कंपल्सरी कर देना चाहिए, अगर जिसने मास्क ही पहना होगा ऑन द स्पॉट उसको जो है फाइन हो, तो देखती हूँ मैं कैसे नहीं यहाँ पर सारे मास्क पहनेंगे। क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रही है आप लोगों को, ये है रॉन्ग पॉलिसीज। असल में रॉन्ग पॉलिसीज की बात हुई है तो मैंने आपको एक अभी करंट एग्जाम्पल जो है वो दे दी है इसकी। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट, सबको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, थर्ड, इफ अ बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन एज अ मोनोपोली कहते हैं, इनकी इजारादारी होती है इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इसकी। ठीक है जी, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अच्छा जी, अच्छा जी, है ऐसा मोनोपोली कहते हैं, इजारादारी होती है इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सर्टन कमोडिटी, कहते हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन होती है और सेल होती है इसमें भी जो है वो राइजिंग ऑफ प्राइसेस का ही काम आ गया। ही कैन राइज इट्स प्राइस, अगर वो इसकी किसी की भी जरूरियात अशिया की जो है वो बढ़ा देते हैं कीमत को, व्हेन ही डिजायर, कहते हैं हमारे बिल्कुल ऐसा ही है, बिजनेस मैन जो है कहता है उसकी मुकम्मल तौर पर इजारादारी है, जब उसका दिल करता है वो कीमतों को बढ़ा देते हैं। मैंने इसी तरह से आप लोगों से बात की है ना कि एक वेजिटेबल शॉप वाला जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, फ्रूट, ये मैं डेली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की क्यों बात कर रही हूँ, मैं बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं कर रही कि अगर हम लोग ओवन की ले लें बात, फ्रिज की बात ले लें, हम लोग जो है एसी की बात ले लें। ठीक है, अब क्या होता क्या है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की ही अगर बात ले लें, अच्छा जी सर्दियां गर्मियां आ गई हैं, गर्मियां आ गई हैं, अब लोगों को फैन चाहिए। ठीक है, लोगों को एसी चाहिए। अब क्या है, लोगों के पास पहले पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। ठीक है, अब एक मजबूरी आ गई है कि गर्मियों में उनको रूम एयर कूलर चाहिए, उनको एसी चाहिए, उनको पंखा चाहिए। ठीक है, लाइट चली गई है तो उनको चार्जिंग फैन चाहिए। अब क्या होगा, हमारे जो बिजनेसमैन होंगे वो क्या करते हैं, इनकी प्राइसेस गर्मियों में बढ़ा देते हैं। हालांकि देखें प्राइस तो वही होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा हुई तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई हालांकि ना भी कम हुई लेकिन इन्होंने जो है डिमांड ज्यादा होने की वजह से खुद ही पाकिस्तान में राइजिंग ऑफ प्राइसेस हो गया। समझ आ रही है आपको, इंतहाई अफसोस होता है, दिल दुखता है इस चीज से। ठीक है, इस चीज से दिल दुखना शुरू हो जाता है मेरा बहुत ज्यादा कि जिस तरह से डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की तो ये प्राइसेस जो है उसको हाई कर देती है। आप रमजान बारिक में फ्रूट
फूड की वेजिटेबल्स की बिजनेस हाई होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें जो फैक्टर्स हैं राइजिंग ऑफ प्राइसेस ही के हैं, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम नहीं हुई हमारे पास, ठीक है, सप्लाई भी अगर उतनी ही रही है हमारे पास, फिर भी हमारे बिजनेसमैन और ये मोनोपोली जिनकी भी है, जारादारी जिनकी भी है, ये इसी तरह से करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सेल जो है वो ज्यादा हो जाती है और उसकी जो है वो कम होना शुरू होती है। ही कैन राइज इट्स प्राइस और वो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं एज वेन ही डिजायर, जब उनका दिल चाहता है या जब उनकी ख्वाहिश होती है कि जी डिमांड ऑफ द जो है वो डिमांड ऑफ द थिंग्स जो है वो ज्यादा होगी या राइजिंग ऑफ प्राइसेस भी जो है वो उस तरह से ज्यादा। When he desires in developing countries like Pakistan, कहते हैं पाकिस्तान जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें भी अगर देखा जाए the development activities usually cause inflation, वो भी जो है महंगाई की ही एक सूरत में जो है वो एक वजह बनती है कि development activities जो जितनी भी activities हमारे पास आ जाती हैं वो भी महंगाई की ही सूरत में आती हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को भी रमजानुल मुबारक की दी है, ठीक है, क्योंकि हर घर में देखें फ्रूट चाहिए होता है, वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, अगर आजकल भी देखा जाए तो कुछ कम प्राइसेस नहीं है, ठीक है। तो जो जिसका दिल चाहता है वो इस पे जो है पॉलिसीज बनानी है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट शुड टेक पॉलिसीज, ठीक है, टेक अ स्ट्रिक्ट स्टेप। ओके जी, द फंड्स एंड लोन्स दैट आर एक्वायर्ड, कहते हैं जो लोन्स दिए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से जो हम लोग बाहर के मुल्कों से लेते हैं, आर इन्वेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द कंट्री एंड कॉज इन्फ्लेशन। क्या क्या कहते हैं कि जो लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको आज की ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो ले रहे हैं किसके नाम पर, कोरोना के नाम पर, ठीक है, बाहर से एड्स ले रहे हैं। अब एड ली जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, फॉर कोरोना पेशेंट एंड फॉर द पुअर पेशेंट, ठीक है, जो इलाज नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वेंटिलेटर पर वो कह रहे हैं कि जी अगर लेना है तो मुंह बोली कीमत यहाँ पर ली जा रही है, जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर ही लिखी हुई है कि अब इन्फ्लेशन देखें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हुई कि ना हुई हम लोगों के पास, कि फॉरेन कंट्रीज से किस लिए जो है वो एड ली जा रही है, कहाँ पर सर्व की जाए, वो कहते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाने में ये गवर्नमेंट जो है ये सर्व कर लेती है, ठीक है। अब इस पर हम हाउ वी ओवरकम ऑल दी सिचुएशंस, आवर फर्स्ट ड्यूटी शुड बी चेक द बर्थ रेट, सबसे पहले बर्थ रेट को जो है वो कंट्रोल करना है हमें अपने कंट्री में, ठीक है। वी शुड मेक अ वेगोरस प्रोपेगेंडा, एक जोरदार जो हमारे पास प्रोपेगेंडा है उसके लिए हम लोग जो है वो चलेंगे। वेगोरस मीन्स क्या है, स्ट्रोंग एंड हेल्दी, ठीक है, इसका मीनिंग आप लोग लिख लें। इन फेवर ऑफ फैमिली प्लानिंग, कहते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए हमारे पास जो है बहुत पावरफुल सा एजेंडा होना चाहिए। सेकंड, द गवर्नमेंट शुड नॉट इम्पोज सो मेनी टैक्सेस, कहते हैं बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं इसको लगाने चाहिए, ठीक है, ड्यूटीज नहीं लगाने चाहिए, सरचार्जेस ऑन दोज कमोडिटीज, हमारी रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की जो अशिया हैं विच आर यूज बाय द कॉमन मैन, जो कि कॉमन मैन जो है वो इसको यूज कर रहे हैं, एंड विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द ह्यूमन लाइफ। वही बात आ गई स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों को बार बार बताती चली आ रही हूँ कि हमारी रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की जो अशियाँ हैं, खास तौर पर गरीब तबका जिसको नहीं हासिल कर सकता उसकी तो कीमत बिल्कुल भी बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये फ्रूट ज्यादा हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल यही देख लीजिए कोरोना से वो कहते हैं कि इम्यूनिटी को डेवलप करने की जरूरत है। अब इम्यूनिटी को डेवलप पे गरीब इंसान किस तरह से कर सकता है, ऑफ कोर्स इफ ही टेकिंग फ्रूट्स, ठीक है, एंड गुड वेजिटेबल्स एंड मीट ऑल्सो, ठीक है, वो जिस तरह से ले रहा है तो किस तरह से गरीब इंसान ले सकता है, ठीक है, जबकि पहुंच में होगा ही नहीं। जी बिल्कुल, वेगोरस मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है, जोरदार हो जाना, ठीक है, इसका ये मतलब है। मैं आप मीनिंग आपको लिख देती लेकिन टाइम इज गोइंग टू बी कंप्लीट राइट नाउ। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ऐसे इन्फ्लेशन, यू हैव वन मिनट, आप मुझे बता दें, ठीक है। तो उस तरह से फिर जो है मैं आप लोगों को बताती चली जाती हूँ। जी एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ओके जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह जी कल की आपकी जो है मुलाकात करते हैं हम लोग, ठीक है, इंशाल्लाह कल का जो है लेक्चर आपका होगा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।